दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कार्डियक अरिथमिया की। देखिए नॉर्मल रेंज जो होती है हमारी हार्ट रेट की वो होती है 60 to 100 बीट्स पर मिनट। नॉर्मली एक जो फिक्स्ड नाम इसको दिया गया है वो है 72 बीट्स पर मिनट, ठीक है। लेकिन इसकी एक रेंज होती है जिसको कहते हैं 60 to 100 बीट्स पर मिनट। अगर हार्ट रेट बढ़ जाती है, ठीक है, 100 बीट्स पर मिनट से आगे हो जाती है, उसको टैकीकार्डिया कहते हैं। अगर हार्ट रेट बिलो 60 बीट्स पर मिनट हो जाती है तो उसको कहते हैं ब्रैडीकार्डिया। देखिए टैकीकार्डिया अलग अलग प्रकार की होती है, उसका नाम जो हम लोग देते हैं वो कैसे देते हैं। 100 to 150 बीट्स पर मिनट तो उसको कहेंगे सिंपल टैकीकार्डिया, 150 to 250 बीट्स पर मिनट तो इसको कहेंगे पैरॉक्सिस्मल टैकीकार्डिया, ठीक है। अगर ये है आपकी 250 to 350 बीट्स पर मिनट, इसको नाम दिया गया है फ्लटर। और इसके ऊपर जो एक इमरजेंसी कंडीशन है जिसकी बीट्स पर मिनट होती 350 बीट्स पर मिनट, इसको कहते हैं फिब्रिलेशन, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप लोग आगे पढ़ेंगे जाकर तो आप देखेंगे बहुत सारे टर्म मिलेंगे जो आप अगर यहाँ समझ लोगे तो आपको आगे कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए इसमें आप पढ़ोगे बहुत सारे आर्टेरियल फ्लटर, ठीक है, वेंट्रिकुलर फ्लटर, ठीक है, और आर्टेरियल फिब्रिलेशन एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। देखा जाए तो ये चार टर्म हो गए। उस तरीके से होता क्या कि जब हम लोग स्टडी करते हैं दूसरी बीमारियों के बारे में या ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं कि ये पर्टिकुलर ड्रग्स आर्टेरियल फिब्रिलेशन में, तो हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली है क्या चीज़। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो टैकीकार्डिया की कंडीशन है जिसमें जो बीट्स हैं 250 to 350 बीट्स पर मिनट है तो इसको कहेंगे फ्लटर। अब वो आर्टेरियल अगर ओरिजिन की है तो इसको आर्टेरियल फ्लटर कहेंगे, अगर वेंट्रिकुलर ओरिजिन की टैकीकार्डिया तो इसको वेंट्रिकुलर फ्लटर कहेंगे। ठीक उसी तरीके से अगर हार्ट रेट 350 बीट्स पर मिनट है तो अगर आर्टेरियल ओरिजिन की है तो इसको कहेंगे आर्टेरियल फिब्रिलेशन, अगर वेंट्रिकुलर ओरिजिन की है तो इसको कहेंगे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ध्यान दिया, देखिए ब्रैडीकार्डिया जो 60 बीट्स पर मिनट से नीचे चली जाती है हमारी, स्लो हो जाती है, तो उसको कहते हैं ब्रैडीकार्डिया। अब दोनों में आप डिफरेंस कैसे करेंगे, बी फॉर ब्रेक एंड बी फॉर ब्रैडीकार्डिया। ब्रेक अगर हम लोग लगाएंगे तो स्लो हो जाती है कोई भी चीज़, उसी से याद रखेंगे हम लोग ब्रैडीकार्डिया। देखिए 40 to 60 बीट्स पर मिनट होती है तो इसको कहते हैं माइल्ड ब्रैडीकार्डिया। उससे अगर और इसको क्या कहेंगे, माइल्ड ब्रैडीकार्डिया। उससे भी नीचे चली जाती है तो इसको 20 to 40 तो इसको कहेंगे मॉडरेट ब्रैडीकार्डिया, हार्ट रेट कम हो रही है। लेस देन 20 बीट्स पर मिनट तो इसको कहेंगे सीवियर ब्रैडीकार्डिया, और ये भी एक इमरजेंसी कंडीशन है। अब बात करते हैं सुप्रा वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया। देखिए ये जो शब्द है सुप्रा और वेंट्रिकुलर, ठीक है, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, मतलब वेंट्रिकुलर वेंट्रिकल से परे जो भी टैकीकार्डिया हो रही है। इफ टैकीकार्डिया फ्रॉम साइनस ओरिजिन नोड, ये देखिए इस लाइन के ऊपर जो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होते हैं टैकीकार्डिया के लिए और इस लाइन से ऊपर जो एरिया है वहां से अगर टैकीकार्डिया उत्पन्न हो रहा है तो उसको कहेंगे हम लोग सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ठीक है। ये जो रेड कलर मार्क जो अभी बना है उसको, ये है आपका ऐसे नोड, ठीक है, ये पूरा है आर्टेरियल टिश्यू और इस लाइन के ऊपर जो भी ये है एवी नोड, इससे रिलेटेड जो भी टैकीकार्डिया होगी उसको कहेंगे सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। अब दूसरा है देखिए सिक्स साइनस सिंड्रोम, ए डिस्टरबेंस ऑफ ऐसे नोड, ठीक है, ऐसे नोडल फंक्शन में जो भी डिस्टरबेंस हो रहा है उससे क्या होगा, जो कार्डियक रेट है जो रिदम है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, क्या होगा, साइकिल्स ऑफ ब्रैडीकार्डिया एंड टैकीकार्डिया, कभी स्लो कभी फास्ट, ये है ऐसे नोड, ठीक है। ये अगर जनरेट करता है इम्पल्स स्लो एंड फास्ट मिक्स्ड इम्पल्सिस तो उसको कहेंगे सिक्स साइनस सिंड्रोम, ऐसे नोड से रिलेटेड है। अब बात करते हैं एवी नोडल ब्लॉक। आप जानते हैं कि ऐसे नोड से जो भी इम्पल्सिस आती हैं वो जाती हैं आर्टेरियल टिश्यू में, उसके बाद आती हैं एवी नोड में, और एवी नोड में 0.1 सेकेंड का पॉज लेती हैं, 0.1 सेकेंड के लिए रेस्ट लेती हैं। लेकिन ये रेस्ट अगर बढ़ जाए, एकदम परमानेंट रेस्ट की कंडीशन में आ जाती है, तो धीरे धीरे इसको कहेंगे हम लोग एवी नोडल ब्लॉक, ठीक है। अब ये तीन पार्ट में डिवाइडेड है, फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक, सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉक एंड थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक।
ये देखिए नॉर्मल ईसीजी है, पी वेव के बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव। ये देखिए अगर फर्स्ट डिग्री एवी नोडल ब्लॉक की बात की जाए तो ये जो गैप है जो टाइम पीरियड है ये बढ़ जाता है, ये गैप ज़्यादा दिखाई देगा फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक में। ये कितना लेगा, 0.1 सेकंड की बजाय 0.2 सेकंड से ज़्यादा का रेस्ट लेना लगेगा। अगर फर्स्ट सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक की बात की जाए तो देखिए जैसे पी वेव के बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है, बट ये देखिए तो नॉर्मल बना है, बट सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉक में होगा क्या कि ये जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है ये नहीं आएगा, ये मिस हो जाएगा, कई बीट्स के बाद मिस हो जाएगा। देखिए पी वेव के बाद फिर बीट्स या इम्पल्स नीचे नहीं गई, मिस्ड क्या हुआ, मिस्ड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। उसके बाद अगेन ऐसे नोट से फायर होगा, फिर दूसरी पी वेव आ जाएगी, इसके बाद कहीं दोबारा ये पी वेव के बाद, फिर भी पी वेव के बाद, अब ये संभावना है कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ जाए, लेकिन इससे क्या होगा, पूरी की पूरी रिदम गड़बड़ा जाएगी। इसको कहेंगे हम लोग सेकेंड डिग्री एवी नोडल ब्लॉक। अब जो थर्ड डिग्री एवी नोडल ब्लॉक है ये बहुत ही एक इमरजेंसी सिचुएशन, इसमें जो अपनी इम्पल्सेस है, ठीक है, जो इम्पल्सेस है पूरी तरह ब्लॉक हो जाती है और ये एक तरह की इमरजेंसी सिचुएशन है। इसमें कोई भी जो इम्पल्स है आर्ट्रिया से वेंट्रिकल में नहीं जाती है, राइट, एंड दिस इज ऑल अबाउट टर्मिनोलॉजी ऑफ अरिथमिया।